ओके सो भाइयों बहनों देवी सज्जनों, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। फिलहाल केशकाल पंचवटी पे हमारे साथ है राजा भैया और जीतू भाई। तो यहाँ पे हम आए थे थोड़ी कैमरे की क्वालिटी चेक करने। फिलहाल यहाँ से निकलना है, कहाँ जाना है भैया? विधायक संतरा नेता विधायक जी से मिलना है, चचा हमारे विधायक। और फिर दंतेवाड़ा, फिर हम प्रस्थान करेंगे दंतेवाड़ा के लिए। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से भाइयों बहनों देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। चलिए तो रास्ते से थोड़ा कट करके हम जा रहे हैं विधायक निवास की तरफ। देखते हैं कहाँ पे है विधायक जी का निवास। और ये रहा विधायक जी का कार्यालय निवास। तो हम गेट के अंदर, यहाँ पे हम आ चुके हैं विधायक निवास पे। जी हाँ, तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे विधायक जी के निवास स्थान पर। ताम जी यहाँ पे हमारे विधायक जी, और छोटा सा कुछ मैसेज जैसा कि हर बार मैं आप लोगों को देता हूँ, उस टाइप का ही कुछ मैसेज आप लोगों को देना है। लेकिन हम नहीं देंगे मैसेज, देंगे हमारे नेताम जी, हमारे विधायक जी केशकाल के। सर कुछ यूथ के लिए कुछ मैसेज? हाँ देखिए, हमारे विधानसभा में बहुत से हमारे युवा बेरोजगार लोग अभी बेरोजगारी का जो मार झेल रहे हैं, मैं इन युवा साथियों के लिए इतना कहना चाहूँगा कि स्वयं का रोजगार, अगर शासकीय नौकरी मिलता है तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं है तो स्वयं का रोजगार भी खुद को करना चाहिए। बस्तर अंचल में खासकर केशकाल विधानसभा के युवाओं के लिए छोटा छोटा कुटीर उद्योग जिसके माध्यम से वो अपना जीवन यापन कर सकें। और युवाओं से भी मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से अभी एक समूह बना के, युवाओं का एक समूह बना के छोटा छोटा उद्योग में उन लोगों को आगे आना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए, मेरा उनसे आग्रह है। और जो भी मेरे से बन पड़ेगा हमारे युवा साथियों के लिए, मैं लगातार वो उनके लिए रोजगार के लिए भरसक प्रयास करूंगा। टूरिज्म के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे केशकाल विधानसभा एक अच्छा जगह है, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य भी है, और जैसे टाटा मारी है, कुएं है, ऐसी जगह बहुत सी संभावनाएं हैं हमारे क्षेत्र में, जो पर्यटक लोग आए और यहाँ पर वो कर सके। अभी घाट के नीचे फूलों का माला का एक शीर्षक में वहाँ पर रुकने के लिए बड़े अच्छे ढंग से वो कॉटेज वगैरह का निर्माण का हमारे कलेक्टर साहब के द्वारा भी और शासन के द्वारा ये व्यवस्था की जा रही है। तो यहाँ भी एक संभावना अच्छा है कि अब पर्यटक आए और इस क्षेत्र में रुकें और यहाँ का सौंदर्य का आनंद लें। तो कैसा लगा आपको हमारे विधायक जी का मैसेज, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ से हम सफ़र की शुरुआत करते हैं दंतेवाड़ा के लिए। चलिए शुरू करते हैं। यस, तो भाई साहब बाइक के पास आ चुके हैं, अब हम हमारा निकलने का समय आ चुका है। थैंक्स टू नेताम जी, हमारे केशकाल के विधायक सर, जिन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रीट किया। और फिलहाल बिना किसी देरी के विधायक निवास से सीधे दंतेवाड़ा। कहाँ? गेस्ट हाउस। कौन सा? न्यू गेस्ट हाउस दंतेवाड़ा। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं, पुनः आपसे मिलते हैं रोड पे। चलिए जी भाई साहब, ऐसा है कि इस जगह से टोल सड़क बेड़मा से दही कोंगा आरंभ होती है, जो कि काफ़ी सही रोड है। और यहाँ से कोंडा गांव लगभग 45 किलोमीटर, बस्तर 99, जगदलपुर 118, नगर नार 135, दंतेवाड़ा 208। लेकिन हम दंतेवाड़ा 208 नहीं जाएंगे, हम कम जाएंगे, हम आपको नया रास्ता दिखाएंगे। सुकमा 228, बीजापुर, विजयनगरम, विशाखापट्टनम 414, व्हाटएवर जो भी है, आप लोग तो समझ गए ना। मतलब देखो ये हवे में उड़ रहे हैं, मतलब भाई साहब हमको देख के ज़्यादा ही जोशी आ गए हैं लग रहा है, समझ रहे हो ना, बहुत जोशिया जा रहे हैं यहाँ के लोग। रास्ते देखो काफ़ी सुंदर, मतलब यार इधर ही बस जाने का मन कर देता है मेरे को। मतलब ऐसा लगता है ना कि हम इन रास्तों पे ही कहीं खो जाएं, रात को नहीं खाली दिन पे। भैया रात को बहुत डर लगता है, समझ रहे हो, जंगल है ना, रात को अकेले ऐसे बाइक में निकलने में हमका डर लग गया था कल। कल जब हम कांकेर पहुँचे तो उसी समय रात हो गया था,
ठीक है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा डर गए थे यार। देखो जंगल को रात को दिखता नहीं है, आगे से लाइट मारती हैं गाड़ियाँ, पीछे से ये जंगल, तो थोड़ा समझ रहे हो ना यार, मतलब मन की बात समझो, कोंटा 300 किलोमीटर है। Who a lie can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I'll rip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know the flow harder than a scotch bunny. हाँ जी भाई साहब और बहन जी, हम लोग क्या है अभी पहुंच गए हैं भानपुरी, ठीक है। ये अपना भानपुरी का इलाका है। देखिए आपको बस्तर का बाजार दिखा रहे हैं भी, मोटो ब्लॉग करते हुए मिस्टर विवेक इस वक्त आप लोग देख सकते हैं। हम हेलमेट थोड़ा उठा देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बस्तर का बाजार, अगेन बस्तर का स्वीट मार्केट विथ मोटो ब्लॉग विथ मिस्टर विवेक। अरे 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 दादा दादा कैसे चलेगा दादा, बीच में नहीं चलते। हाँ अरे ये बाज़ार जो है उस साइड लगा हुआ है, मतलब हमारे राइट साइड पे ये बाज़ार लगा हुआ है और बाकी सब बढ़िया है। आगे चलो बेटा, आगे देखो, रास्ता देखो, हैं इधर उधर नहीं देखता गाड़ी चला। ओए भाई सेल्फी, ओ माय गॉड, पर हम नहीं पियेंगे, हम कहाँ है ना एकदम सख्त वाले लड़के हैं, ठीक है, सख्त आदमी हैं हम नहीं पियेंगे। अरे यार मन कर रहा है लेकिन नहीं, पीना ही नहीं है, मतलब पीना ही नहीं है, चलो। अरे 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 बाबू, हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो ये है भाई साहब इंद्रावती नदी का पुल। ओहो क्या बात, ओह माय गॉड, पानी देख रहे हैं आप, ओहो हो हो, अद्भुत अद्भुत, आनंदों की प्राप्ति होती है ऐसे नदियों को देखने के पश्चात, पर भूल कर भी गोता मारने का सोचिएगा मत, समझ रहे हैं ना। वैसे काफ़ी समझदार हैं आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, तो इधर से अगर आप राइट जाएंगे तो आपको पड़ेगा 5 किलोमीटर चित्रकूट और दंतेवाड़ा 87, और इधर से हम जाएंगे, लेकिन किधर से, ये आगे से एक रास्ता कटा है जो कि आपको सीधे लेकर के जाएगा गीदम। यस, तो चलिए इस रास्ते पे अपन सफ़र की शुरुआत करते हैं। कोडेनार तक हमें जाना है जो कि सिर्फ 26 किलोमीटर की दूरी है, और तो उसके बाद फिर आएगा गीदम घाट, और ये रास्ता भी काफ़ी शानदार है, देख रहे हैं आप। चलिए आगे मिलते हैं। ये जो सामने पहाड़ है हम इस पे ही चढ़ेंगे बॉस, और ये देखिए कुछ डिफरेंट टाइप के मठ देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप डिजाइन। तो ये घाट में हम चढ़ाई की शुरुआत करते हैं। अपने भाइयों बहनों दिल थाम कर बैठिए, आपका भाई अभी आसमान की ऊंचाइयों पे जाने वाला है। हाँ देखिए, देखते रहिए देखते रहिए, और अब मैं ये आसमान की ऊंचाइयों पे, और क्या सही नज़ारा यहाँ से, मैं पीछे पलट के दिखाता, देखिए नहीं दिख पाया, कोई बात नहीं, थोड़ा और ऊपर से दिखाएंगे हम आपको नज़ारे यहाँ के। और माँ दंतेश्वरी की पावन धरा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार दंतेवाड़ा में। नाउ अब हम कॉल करेंगे उत्कर्ष भाई को, उन्हें बोलेंगे भाई कहाँ जाना है, फिर वो हमें रेस्ट हाउस तक छोड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सीधे रेस्ट हाउस पे। यस, तो जैसा कि मैंने कहा था हम सीधे आपसे मिलेंगे रूम पे, और हम रूम पे आ चुके हैं भाई साहब, एक शॉर्ट सा रूम टूर देते हैं आप लोगों को, काफ़ी मजा आएगा। चलिए भाई साहब, अंदर बहुमूल्य सामान ना छोड़े, ठीक है, इसकी जवाबदारी इनकी नहीं होगी। चलिए यहाँ पे हमारे हर्ष भाई, उत्कर्ष भाई, और
ये हमारा रूम काफ़ी सही, काफ़ी सही बॉस। ये हमारा रूम बहुत ही सुंदर सा और बहुत बेहतरीन। आइए हम अंदर की तरफ आपको दिखाते हैं। यहाँ से आते हैं तो ये वार्डरोब और एक फ्रिज भी है। फ्रिज पे कुछ माल है? कुछ भी नहीं है, सारा कुछ सही है। ओके, ये हमारा वॉशरूम। ओ भाई, एकदम भूत वाली आवाज़ आई ना इसमें। और ये थोड़ा सा समझ गए ना, गीजर वगैरह हैं सारे कुछ है। और यहाँ मैं हूँ जो कि पूरी तरह से टायर्ड हो चुका हूँ। टायर्ड नहीं कहना चाहिए, अरे जो भी हो चुका, मतलब समझ रहे हो ना लोग। चलिए अभी रूम पे चलते हैं और ये व्लॉग यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा मोटो व्लॉग सेटअप आ चुका है, हमारा GoPro Hero 9 आ चुका और बहुत ही मज़ा आया। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी से जुड़ने के लिए। तब तक ये हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बटोरिए, खुशियाँ बांटिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.